Hi guys, welcome back to my channel. I hope that you all are doing well. So in today's video, I'm just going to show you an amazing trick or a hack to do a heatless curls. If you want to have a bouncy, curly, beachy, wavy kind of a hair look. So as you have read my title, this is a heatless curl tutorial in which I'm going to use this product from Schwarzkopf. So the first thing is their hyaluronic moisturizer kick for curl power 5, and the second thing is a strong hold gel. Okay, so I'm going to tell you how to do that in this video. Okay, so I'm going to tell you what are the steps. Okay, so normally I have done my shampoo conditioning जो हम मैं हमेशा करती हूँ एंड विच यू शुड डू. सो उसके बाद क्या करना है, आपको अपना नॉर्मल बाल एयर ड्राई होने देना है. ठीक है, उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज मेक टू पार्टीशंस अपने बालों का, एंड पहले ही आप इसे कोम कर लीजिए. ठीक है, बिकॉज अगर आपके बाल में नॉट्स रहा सो आप उसके बाद मतलब जब अगर आप जेल लगा लेंगे उसके बाद आप इसे नहीं कोम कर पाएंगे. सो बेटर है कि यू डू फर्स्ट द कोमिंग पार्ट and then we'll use the products. So basically, as I guess abhi tak aapne dekha hoga, I have a very straight hair, like jet straight you can say, and I won't care mujhe kabhi kabhi for a change thoda halka curls ya wavy jo baal hota hai mujhe bahut pasand hai, but I don't have that because I don't have that. Okay, so what we are going to use is this product first. I'm going to take thoda, it's a coin size, so itna. And what we have to do is baalon mein normally अच्छे से लगाना. Don't apply it on your roots. ये नीचे के side में ही लगाएं. ठीक है, it smells divine. And now start scrunching it. ठीक है, so ये क्या करेगा, आपको एक हल्का खुद से ही without using any rod or something आपको एक नीचे से wavy look देने में this is going to help. Okay, we'll do this thing here as well. We'll take this much amount and then नीचे आपके बालों के साइड में apply it like this and then start scrunching नीचे से ऊपर की तरफ. Okay, what else you want here? अगर आपको heatless चीज़ें मिल रही हैं एंड आपको जो चीज़ चाहिए वैसे आपको हो रहा है विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ लॉस, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ज़्यादा कर्ल करते हैं बाल, सो योर हेयर इज़ गोइंग टू गेट डैमेज्ड वेरी बैडली, और फिर उसके बाद यू हैव टू डू ऑल द स्मूदनिंग एंड केराटिन और ये सब का प्रोसेस. सो जब तक इसमें हो रहा है वाई नॉट. सो आफ्टर दिस क्रंचिंग, ठीक है, अब हमने लेना है ये जेल एंड ये क्रीम से थोड़ा कम लेना. ठीक है, ये क्योंकि काफ़ी थिक है सो इतने में भी आपका काम हो जाएगा एंड दिस इज़ गोइंग टू लास्ट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ज़्यादा प्रोडक्ट आपको लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा लीजिए एंड या यू आर गुड टू गो. सो व्हाट आई डू इज़ नॉर्मली आफ्टर स्क्रंचिंग दिस थिंग मुझे थोड़ा हल्का नीचे बाउंस भी चाहिए है एंड मुझे हल्का ना कर्ली इफेक्ट चाहिए. सो आई एम गोइंग टू डू अ प्लीट्स. ठीक है, एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू कि ये कैसा लुक होगा. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि
मैं नॉर्मल जैसे हम लोग प्लीज करते बस वैसे ही प्लीज कर रही हूँ, बट अभी से आप देख सकते हैं कि ये अब स्ट्रेट बिल्कुल नहीं दिख रहा है, राइट? सो आई एम वेरी हैप्पी, फाइनली अब मैं जब चाहूँ तब कर्ल कर सकती हूँ। टू डू इज मैं नॉर्मल अपने बालों पे चोटी बनाऊंगी, डिवाइड करके अपने बालों को अच्छे से, ताकि ये वैसे ही जैसे मुझे बाल मेरे चाहिए वैसे ही सेट हो। सो दिस इज योर नॉर्मल चोटी, एंड आप जिसे जितना इसे टाइट करेंगे ये उतना ही ज़्यादा होल्ड करेगा वो शेप। सो या व्हाट, अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो आपका बाल बच गया है इसे टर्न करें गोल घुमा के, एंड इसे आप नॉर्मली अब ऐसे पोनी यहाँ पे आप टाई कर लेंगे, ठीक है? ओके, सो आई नो दिस इज लुकिंग क्वाइट फनी, बट आई एम अश्योरिंग यू दिस थिंग कि अगर आप इसे सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर तक के रखिए, बिकॉज आई वॉन्ट दैट थिंग, बिकॉज मेरा बाल कैसा है ना कि अगर मैं एक अपने से फिंगर भी डालूँ ना तो वो पूरा कर्ल छोड़ देता है। सो इसीलिए मुझे मेरे बालों के हिसाब से आई हैव टू कीप दिस थिंग एटलीस्ट फॉर एन आवर, एंड अगर आपका थोड़ा भी यू नो कर्ल है नीचे तो आप, या एटलीस्ट अगर आपको थोड़ा बाउंसी बाल है सो आपको शायद इतना टाइम ना लगे, यू कैन कीप इट फॉर 15 to 20 minutes एंड या यू आर गुड टू गो। बट मेरे जैसे आपने देखा मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट बाल है, सो उस चीज़ के लिए मुझे होल्ड करने के लिए कम से कम 1 घंटा तो लगता है, ताकि मैं एटलीस्ट ये जो कर्ल है वो 2 दिन तक अपने बालों पर रख पाऊँ। तो 2 दिन के लिए एटलीस्ट आपको इतना करना पड़ेगा, बट द एंड रिजल्ट इज हाउ इज दिस लुकिंग, आई एम जस्ट लविंग माई हेयर, लाइक ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता आपका वायर यार, लाइक सीरियसली, और इट्स रियली सॉफ्ट एंड आई एम लविंग इट सो फार। अगर आप लाइक यू नो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अगर मैं इसे 1 आवर से अगर ज़्यादा टाइम तक के रखूँ तो ये और ज़्यादा अच्छा मुझे लुक देगा, बट एज आई प्रोमिस दैट आई एम गोइंग टू कीप इट फॉर 1 आवर, तो इसलिए मैंने तब आपको 1 घंटे में खोल के दिखाया, तो दिस इज लुकिंग सम वॉट लाइक दिस, बट एब्सोल्यूटली लविंग दिस। सो आई हाईली रिकमेंड दिस टू प्रोडक्ट्स इफ यू वॉन्ट टू हैव एन हीटलेस कर्ल, एंड आई मैंशन द लिंक, आई गॉट दिस फ्रॉम फॉक्सी, सो या इफ यू वॉन्ट टू हैव योर हैंड्स ऑन प्लीज डू, एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो अगर आप ये लेते तो आपको कैसा लगता है, if you want to try this look. So until then, next time take care, I love you all, and yes, don't forget to like and subscribe. Bye bye, tata.